दोस्तों ये तो आप सभी जान चुके होंगे कि कतर ने जो एक्स इंडियन नेवी पर डेट पेनल्टी लगाया था वो अब माफ हो चुका है। कतर को पता है कि भारत आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसीलिए कतर की कोर्ट ने जो फांसी का सजा सुनाया था हमारे जवानों को उसे अब वापस ले लिया गया है। और इसी के साथ अभी की बड़ी खबर ये है कि कतर अब भारत के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता है और भारत के साथ नए डील भी स्टार्ट हो चुके हैं। कतर ने एलएनजी गैस को लेकर एक बड़ा डील किया है भारत के साथ और इस डील के बाद भारत को 2028 तक अपने एलएनजी गैस की जरूरत के लिए किसी और देश के पास नहीं जाना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस पूरे डेवलपमेंट के बारे में। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में, मैं हूँ विकास। भारत के गैस ऑपरेटर कंपनी पेट्रोनेट के बारे में तो जानते ही होंगे। भारत में एलएनजी गैस को ज्यादातर हैंडल यही कंपनी करती है और अभी इस कंपनी ने कतर के साथ एक बड़ा डील किया है और इस डील के तहत कतर भारत को 7.5 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर एलएनजी गैस इंपोर्ट करेगा। दरअसल दोस्तों कतर एक ऐसा देश है जिसके पास गैस का भंडार है और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कतर पर गैस के लिए डिपेंड है। यही कारण है कि छोटा सा देश कतर अपने गैस के वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। भारत जैसे बड़े कंट्री में अब तक ओलंपिक नहीं खेला गया है लेकिन कतर के पास वो पावर है कि कतर में ओलंपिक हो चुका है। इसके अलावा इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो भी कतर में ही आयोजित किया गया था क्योंकि कतर के पास बहुत पैसा है और रीजन है गैस का भंडार। कतर ने भारत के अलावा और भी कई देशों के साथ बड़ा डील किया है जैसे कि यूरोपीय कंट्री के साथ, चाइनीज कंट्री के साथ, बांग्लादेश के साथ और भी कई ऐसे बड़े बड़े कंट्री हैं जिनको गैस देने का काम कतर ही करता है। तो जियोपॉलिटिकली कतर बहुत ही आगे है, बहुत ही मजबूत है। कतर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है और एलएनजी गैस का कितना बड़ा यूज है ये आप सभी जानते हैं क्योंकि आपके घर में जो खाना बनता है वो भी एलएनजी गैस से बनता है। रिसेंटली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कतर ने अपना एलएनजी प्रोडक्शन और भी ज्यादा दिया है और 2027 तक कतर पर ईयर 126 मिलियन टन एलएनजी का प्रोडक्शन करेगा। अभी सारे कंट्री कतर के साथ इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि अभी जिस रेट में डील किया जाएगा आने वाले 2-4 साल तक कतर उसी रेट में सबको एलएनजी गैस सप्लाई करेगा और यही कारण है कि हर देश कतर से डील कर रहे हैं। इसलिए भारत ने लॉन्ग टाइम के लिए 7.5 मिलियन टन पर ईयर के रेट से एलएनजी लेने का डील कर लिया है। अभी इस डील को साल 2028 तक के लिए फाइनल किया गया है और बताया जा रहा है कि आगे भी यह डील इसी तरह से चलता रहेगा। अगर हम भारत के गैस इंपोर्ट की बात करें तो साल 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग भारत ने अपने टोटल गैस कंजप्शन 42% गैस सिर्फ कतर से इंपोर्ट किया है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट से 16%, यूएई से 13%, नाइजीरिया से 6%। इसके अलावा हम और भी कई कंट्रियों से गैस को इंपोर्ट करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा भारत गैस इंपोर्ट कतर से ही करता है। इसलिए कतर जियोपॉलिटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की पेट्रोनेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो भारतीय कोस्टल एरिया में टर्मिनल प्रोवाइड करती है जहां पर बड़े बड़े एलएनजी गैस के शिप आकर के रुकते हैं। उसके बाद गैस को शिप से इन टर्मिनल में ट्रांसफर किया जाता है और फिर देश के अलग अलग भागों में भेजा जाता है। तो ये कंपनी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाते जा रही है। भारत कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यही कारण है कि कतर भारत के साथ अपना डील को खराब नहीं करना चाहता है और उसने भारत के जो 8 इंडियन नेवी एक्सपोर्ट्स पर डेट पेनल्टी की सजा सुनाई थी उसको भी वापस कर ली है। भारत कतर से एलपीजी गैस के अलावा नेचुरल गैस, इथेनॉल, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्युमिनियम 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग भारत और कतर के बीच में $15.3 बिलियन का कारोबार हुआ था। भले ही कुछ कारणों की वजह से भारत और कतर का रिलेशनशिप खराब हुआ है लेकिन भारत और कतर के बीच का कारोबार लगभग 50 साल पुराना है। भारत और कतर के बीच में कारोबार 1973 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से धीरे धीरे कतर और भारत का आयात निर्यात लगातार बढ़ता गया। एक तरफ कतर हमें 80% गैसों की आपूर्ति करवाता है वहीं दूसरी तरफ हम कतर को अनाज देते हैं। इसके अलावा सब्जियां, कपड़े, धातु आभूषण, मैन्युफैक्चरिंग गुड और भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि कतर भारत से इंपोर्ट करता है। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक भारत की 6000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां कतर की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा कतर की जो आबादी है वो 30 लाख है जिसमें से 7.5 लाख लोग वहां पर भारतीय हैं। मतलब कतर की 30 लाख की जनसंख्या में 7.5 लाख लोग इंडियन हैं जो कि कतर की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज कतर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसमें भारतीय मजदूरों का बहुत बड़ा हाथ है। कतर भारत को एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी देता है क्योंकि अपना प्यारा भारत कतर के मूलभूत जरूरतों को पूरा करता है। तो कतर और भारत के बीच में जो भी इशू था वो अब खत्म हो गया है और कतर और भारत के बीच में जो भी डील रुका हुआ था वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। एंड आई होप कि गाइस ये डील आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।